सबको मेरा नमस्कार। आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी आपका आज का यानी शनिवार का आपका टैरो फोरकास्ट आपके सन साइन के हिसाब से, यानी जो आपकी जन्म तिथि है उसके हिसाब से जो आपकी राशि बनती है वो आप फटाफट देख लीजिए और देखिए क्या है आपका आज का टैरो फोरकास्ट। और इसके अलावा मैं आपको दूंगी आज के लिए एक शानदार टिप जो आप आज के अलावा वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये टिप हमेशा आपके काम आएगी आपकी गुड लक को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि से। तो एरिस के लिए सबसे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ। एरिस का निकल कर आता है सबसे पहले ये कार्ड, ये है क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड। देखिए मुझे लगता है कि एरिस राशि वाले आज थोड़े से इमोशनल साइड की अप होने की वजह से लोगों से मतलब थोड़ा सा जो है ना कि ज़्यादा ही ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे और इसी वजह से थोड़े से ना जैसे इमोशनल साइड अप होने की वजह से गंभीर तरीके से पेश आएंगे और शायद इसी वजह से आप थोड़े सैड भी हो सकते हैं। कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हमें थोड़ी सैड बना देती हैं, तो कभी कभी कम इमोशनल होना ही आप लोगों के लिए अच्छा होता है। तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा सकती हैं आपकी इमोशन आज के दिन। एक बात और है, आज के दिन आपको मिल सकता है आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी एल्डरली वुमेन का सपोर्ट, यानी कि आपकी माता का, आपकी बड़ी बहन का, या आपके जीवन में कोई भी अगर आपकी फ्रेंड है या कोई भी आपकी सहपाठी है या कोई भी ऐसे जुड़े हुए लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे थोड़े सीनियर हो, उनका आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो टॉरस राशि की बात करते हैं तो टॉरस के लिए निकल कर आता है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफी पॉजिटिव कार्ड है जो ये बताता है कि अब आप जिस चीज की प्रतीक्षा काफी समय से कर रहे थे वो सिर्फ दो दिन दूर है। दो दिन के अंदर कुछ बहुत अच्छी चीज हो सकती है आपके साथ। ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बताता है कि अभी इमीडिएटली तो नहीं हो रहा वो चीज जो आप जिसका आप आज कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, तो दो दिन का विराम दीजिए। दो दिन बाद आप अगर उसी चीज को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक चीज और है, ये कार्ड किसी चीज का और इंडिकेशन देता है कि आज के दिन किसी मंक या किसी साधु या किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो काफी शुभ रहेगा। और अगर आप सुबह सुबह उठ के आप किसी ब्राह्मण के दर्शन करते हैं या किसी मंक के दर्शन करते हैं या किसी भी साधु के दर्शन करते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ जाने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए अब तीसरी राशि जेमिनी की देखते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो आपके लिए अच्छा दिन है ये आज के दिन, शनिवार वाले दिन। आप बहुत समय बाद आज आप जॉयफुल मूड में होंगे आज के दिन। तो भाई आज अंदर से शायद आपको खुशी होगी कि आज हम लोग बहुत समय बाद हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। आज मुझे लगता है सैटरडे के दिन आज आप फैमिली के साथ तो समय बिताओ या ना बिताओ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी आउटिंग जरूर प्लान करोगे कि बाहर ही जाना है, अब अंदर नहीं बैठना। ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी भी अटेंड की जा सकती है आज के दिन। अगली राशि का रुख करते हैं तो अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि का निकल कर आता है जेनरोसिटी का कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आज आप लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जेनरस होते हुए नजर आ रहे हैं, दान दक्षिणा में विश्वास रखेंगे। देखिए जितना ज़्यादा जेनरस आप होंगे उतना ही ज़्यादा शायद आपके पॉजिटिव कर्मा एक्यूमुलेट होंगे। ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा जितना आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो कहते कर भला सो हो भला, तो वो आपके साथ आज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आज अगर कोई निवेश करेंगे। तो अगली राशि की बात करें तो अब बात करते हैं लियो की। लियो के लिए निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फाइनेंसेस को लेकर बहुत अच्छा दिन है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और दूसरा ये कि आज अगर किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो काफी अच्छी होगी, आज नया बिजनेस भी मिल सकता है। आज का दिन टोटली बोलूं मैं अगर तो आज पूरा का पूरा मटेरियल गेन से भरा हुआ हो सकता है अगर आप इस साइड पर इंक्लाइन होंगे। तो अगली राशि का रुख करते हैं तो अगली राशि है वर्गो। तो वर्गो के लिए देखती हूँ क्या कार्ड निकला है। वर्गो के लिए निकला है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही हैप्पी एंड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स रही है तो उसकी हैप्पी एंडिंग है। ये कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी दिखाता है। मुझे लगता है कि आज आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं ये कार्ड। एक और बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके परिवार में कोई शादी योग्य है तो उसकी अरेंज्ड मैरिज सबकी सहमति से होने की संभावना बनती है। अगली राशि का रुख करते हैं, लिब्रा की बात कर ली जाए तो लिब्रा के लिए निकला है ये कार्ड। लिब्रा के लिए निकल कर आया है ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए लिब्रा
आपकी मुलाकात होगी किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और बहुत धनवान हो। ये व्यक्ति से आपका जो भी मुलाकात है वो मुलाकात बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा भौतिक चीजों को लेकर होगी। ये आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति भी हो सकता है और हो सकता है ये आपका कोई क्लाइंट हो, लेकिन जो भी होगा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कोई ऐसा धनवान और एक पावरफुल व्यक्ति आज के दिन अगर मिलता है तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब बात करते हैं अगली राशि की, स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए निकालते, चलिए यहां से निकालती हूँ कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। तो एम्परर का कार्ड क्या कहता है? एम्परर का कार्ड कहता है कि आज के दिन आप अगर देखिए आपका बिहेवियर अगर ऐसा है कि आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो आज आप अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर को थोड़ा सा कम अगर दिखाएंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है ना स्कॉर्पियो राशि वालों को, वो ऑलरेडी डोमिनेंस की एनर्जी सराउंड कर रही है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी है ना उसको लोग समझ नहीं पाएंगे। लोग यही समझेंगे कि आप उन्हें सप्रेस करने में लगे रहते हो। तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि टू मच ऑफ डोमिनेंस आपकी रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी को, इमोशंस को सप्रेस कर देगी। तो आपको अपनी डोमिनेंस पे काबू रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, ये कार्ड आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि महिला वर्ग को अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेफ गार्ड करता हुआ सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत प्यार मोहब्बत वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आज ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आज वो लवी डवी मूड में रहने वाले हैं आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं। अगली राशि का मैं रुख करती हूँ। तो अगली राशि है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस के लिए निकला है एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आपकी क्रिएटिव साइड को तो हाई बताता ही है। अगर आप आर्टिस्ट हैं या म्यूजिशियन हैं या कुछ भी ऐसा जिस पे कोई भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, आपको काफ़ी सराहना मिलेगी। और एक बात और, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज काफ़ी अच्छा दिन है। अगली राशि का रुख करते हैं। अगली राशि है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए निकला है ये कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। नया रिश्ता जुड़ सकता है उन लोगों का जो सिंगल है, कोई समवन स्पेशल आपके जीवन में अब आने वाला है और शायद आज ही आपकी मुलाकात हो जाए। अच्छा, एक बात और है कि जो मैरिड कपल्स हैं और उनको लग रहा था कि भाई अब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी हो गई है उनकी लाइफ, उनके जीवन में, उनके रिश्ते में, मुझे लगता है कि आज के दिन एक जो है ना कि रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस हो सकता है, एक दूसरे के लिए प्रेम पुनः जागृत होता हुआ भी दिखाई देता है इस कार्ड के अनुसार। तो अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है सिक्स ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकला है। सिक्स ऑफ हार्ट्स का कार्ड, मैं एक बात बताती हूँ, ये कार्ड ये बताता है कि आप आज किसी अपने जो है ना ओल्ड कलीग से मिल सकते हैं किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आपको कोई जॉब की ज़रूरत है अगर आप जॉबलेस हैं। तो कोई आपका पुराना फ्रेंड या पुराना कलीग या फिर आपका कोई बॉस या मेंटोर आपके आज काम आ सकता है। तो अगर आपने किसी से संपर्क नहीं साधा है तो आज आप ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुराने कॉन्टैक्ट ही आज आपके काम आने वाले हैं, वहीं से आपके जो है ना बिगड़े काम बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पुराने कॉन्टैक्ट को ही आज आपने रिवाइव करना है। अब आखिरी राशि की बात कर ली जाए तो आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए निकलता है ये कार्ड। मीन राशि का कार्ड निकल कर आया है लवर्स कार्ड। देखिए लवर्स कार्ड मतलब आज कुछ दुविधा हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप एक क्रॉस रोड पर हैं जहां आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करेंगे, एक फैसला लेना पड़ सकता है। और फैसला लेना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। शायद किसी की सलाह लेना आपके लिए अच्छा होगा, तो सलाह लीजिए और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लव रिलेशनशिप में भी आप हो सकता है कि टर्न बिटवीन टू थिंग्स, हो सकता है कि घर वाले कुछ और कह रहे हैं और आपका प्रेमी कुछ और कह रहा है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा डिसीजन मेकिंग करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो आज के दिन सिर पे हाथ रख के बैठ जाइए कि आज मुझे कुछ करना ही नहीं है, अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको, बेटर यही रहेगा। तो ये है आप सभी राशियों का आज का फोरकास्ट। तो अब बारी आती है आज के शानदार फैंगशुई टिप की, उन लोगों के लिए जो व्यापार में वृद्धि चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है या आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत वेल्थ आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा लोग बहुत भांति भांति की चीज़ें अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपनी शॉप्स में, शोरूम्स में रखते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। उनमें से बहुत ही पॉपुलर आ
आर्टिफैक्ट है मर्चेंट शिप। मर्चेंट शिप यानी कि एक ऐसा शिप जो कि मिनिएचर फॉर्म में लोग अपने एंट्रेंस पे रखते हैं, अपने शोरूम के एंट्रेंस पे, अपने ऑफिस के एंट्रेंस पे, कई बार घर के एंट्रेंस पे रखते हैं। तो ऐसा मर्चेंट शिप रखने से आप बिलीव कीजिएगा कि वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है वेल्थ को इंक्रीज करने के। लेकिन क्या मर्चेंट शिप सिंपली ऐसे रखा जाए तो फ़ायदा कर सकता है? नहीं, मर्चेंट शिप ऐसे कभी नहीं रखा जाता। शिप को रखा जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। घर के एंट्री पे अगर आप शिप रख रहे हैं तो उसकी सेलिंग डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि शिप अंदर की तरफ आता हुआ नजर आए, ऐसे रखा जाता है। अगर आप शोरूम में भी रख रहे हैं तो शिप जो है हमेशा ऐसे रखा जाना चाहिए कि शिप जो है अंदर की तरफ आ रहा है। अगर आप ऑफिस में रख रहे हैं तब भी, अगर आप फैक्ट्री में रख रहे हैं तो भी। और शिप जो है कभी भी खाली नहीं रखा जाता। शिप के अंदर बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं, जैसे उसके अंदर बहुत सारे मोती रख सकते हैं, बहुत सारे सेमी प्रेशियस जेम्स रख सकते हैं, या कुछ इस तरह के इनगॉट्स आते हैं, इस तरह के गोल्ड इनगॉट्स जो आप किसी भी अच्छे फेंगशुई के शोरूम से ले सकते हैं। ये इनगॉट्स भी आप उसमें रख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे इकट्ठे करके रखें ताकि वेल्थ शिप एकदम लदा हुआ लगे कि हाँ बहुत सारी वेल्थ लेकर ये शिप वापस आपके प्रेमिसेस में एंटर कर रहा है। अगर आप ऐसा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपने व्यापार की जगह पर, अपने घर पर या अपने ऑफिस में रखेंगे तो ऐसा ही आपके जीवन में होने लगेगा, क्योंकि फेंगशुई भी बिलीव करती है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने में। तो इस टिप को आप आजमाइए और हो जाइए वेल्दी। अगले शो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।